हेलो दोस्तों, तो मैंने पिछली वीडियो गुरु प्रसादम की कंजा बीमारियों के बारे में वीडियो बनाई थी, तो उनमें से मेरे को काफी कमेंट्स आ रहे थे कि मेरे को रिप्लाई जरूर करना, रिप्लाई जरूर करना। प्लीज आप देख लें, कमेंट सेक्शन में मैंने आपको रिप्लाई किया हुआ है, तो जिस जिसने कमेंट किया है तो मैं आपको मेंशन कर दूंगी। इन्होंने कमेंट किए हुए हैं, तो इन्होंने ये पूछा है कि हाँ मैम, ये मेडिसिन सही है, ये प्रसाद सही है। तो कई लोगों ने इनको मेडिसिन समझा, कई लोगों ने इन्हें प्रसाद समझा। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैंने उसका हमेशा रिप्लाई दिया है। तो आगे ही जैसे से आप मेरे को कमेंट कर रहे हो तो मैं उसका रिप्लाई दूंगी। तो जैसे कि आपने पहले फर्स्ट कमेंट में मेरे को किसने बताया था, ममता नेम की लेडी ने बताया था कि मेरे को ये कहाँ से मिलेगा, तो प्लीज मैं अपनी वीडियो में नीचे लिंक दूंगी, आप उधर से भी खरीद सकते हो, आप कहीं अमेजोन की ऐप से भी खरीद सकते हो इसको। गुरु प्रसादम जो मैंने यहाँ पे नेम मेंशन किया हुआ है उसी को ही आपने सर्च करना है, और उसी को ही आपने वहाँ पे सर्च करना है, तो ऐसे ही आ जाएगा, आपको प्रसाद मिल जाएगा, आपको वहाँ पे उसका थंबनेल मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये वाला प्रसाद है। और कई जिनको लगता है कि ये मेडिसिन है तो मेडिसिन के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि इसके फायदे काफी है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और जो लोग मेरी वीडियो में नए हैं तो प्लीज मेरी पिछली वीडियो देख लें ताकि उनको पता चल जाए कि मैं कौन सी बात कर रही हूँ, गुरु प्रसादम की। तो गुरु प्रसादम की जो जो मैंने बेनिफिट्स बताए थे, तो वो बेनिफिट्स तो है ही, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे कि शरीर दुखना, या फिर चलने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, खारिश होती है शरीर में, या फिर एनीथिंग प्रॉब्लम्स होती है, मैं नीचे बता दूंगी, मेंशन कर दूंगी कौन कौन सी बीमारियां आपकी इससे दूर हो जाएंगी। तो जैसे कि आपकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी जैसे कुछ भी हो आपको, तो मुझे हमेशा कमेंट करके बताओ, मैं उसका रिप्लाई हमेशा आपको दूंगी। और जैसे कि और वीडियोस में मेरे को लोगों ने पूछा था कि मैम इसका प्राइस क्या है, तो आप मेरी नीचे वीडियो में देख ले इसका प्राइस भी क्या है, और इसका प्राइस बहुत ही जेन्युइन है, आम बंदा जरूर खरीद सकता है इसे, और अमेजोन से भी आप इसे परचेज कर सकते हो। और जैसे कि इस 51 बीमारियों से आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सही हो जाएगी, मुझे बताना है इस 51 बीमारियों वाला प्रसादम से आपकी कौन कौन सी बीमारियां ठीक हुई है, जिन्होंने इसको लिया है तो वो बताना कि कौन कौन सी बीमारियां मेरी दूर हुई हैं। तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ये सच है या नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सच है, ये इसको रोज़ यूज़ करना है आपको, खाने के बाद आपको इसको भिगो के रख देना है कांच के गिलास में, और कोई गिलास यूज़ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कांच का गिलास यूज़ करना है, उसको भिगो के रख देना है गर्म पानी में, खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद आपको इसको लेना है, लेने के बाद आपको इसको सो जाना है, जैसे कि आप करते हो रेस्ट, एज अ मेडिसिन आपको यूज़ करना है इसको। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी मेडिसिन के रूप में ये आपको कवर करेगा। जैसे कि लोगों ने मेरे से पूछा है कि मैम इससे सर्वाइकल भी दूर हो जाता है। हाँ, इससे सर्वाइकल भी दूर हो जाता है, पर आपको एक बार डॉक्टर से भी पूछना चाहिए, डॉक्टर की भी मेडिसिन खानी चाहिए और इसको भी यूज़ करना चाहिए। थोड़ा कम टाइम लगता है ठीक होने से, बट मेडिसिन से तो आप कवर हो ही जाते हो, तो इससे भी पूरे श्योर हूँ मैं कि आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, हैंड में पेन हो या पैरों में पेन हो, कहीं भी पेन हो आपको, स्पेशली पेन वाली जगह पे आपको कहीं भी पेन होती है, तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट देगी आपको, और काफ़ी हद तक आप अच्छे हो जाओगे, और बहुत ही जल्द आप अच्छे हो जाओगे। तो जैसे कि आगे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मैम आप रिप्लाई नहीं देते, तो प्लीज़ आप देख लीजिए, आपको रिप्लाई दिया हुआ है। और जैसे कि आप आगे आगे बताना मेरे को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, मैं आगे आगे उस प्रॉब्लम्स की आपको वीडियो बनाती दूंगी और आपका नाम भी लेती दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे को बताना कि कौन सी बीमारी है आपको और कौन सी आपको सोल्यूशन लेना है। तो प्लीज़ बाय, थैंक यू, टेक केयर।